परीक्षित जी, हेलो अमित जी, हेलो सर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? सरबजीत सिंह जी, सरबजीत सिंह, सरबजीत, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ऑल कॉडियो T50 टावर स्पीकर्स? T50 सर, उसका प्राइस आप उस पर, एक मिनट यार, एक कॉल आ रहा है, वो उठा लूँ पहले, ज़रूरी है थोड़ा, घर से ही है। हेलो, हैं की करा? वीडियो पास से शुरू करी, पहले दवाई खा ला। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर, से फ़ोन था यार मदर का, एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से फ़ोन करके याद दिला रहे हैं कि दवाई पहले खा ले, उसके बाद में वीडियो शुरू करियो। तो एक मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे यार, एक बार दवाई पहले मैं खा ही लूँ, नहीं तो फिर शुरू कर दी ना अगर अपनी बातचीत, तो बीच में भूल जाऊंगा फिर मैं। अरे भैया जी, क्यों फ़ोन कर रहे हो? नहीं उठा सकता उस पर मैं कोई भी फ़ोन आपका। सबसे गंद, दुनिया की सबसे गंदी चीज़। कपड़ा उठा लूँ कोई। तो चलिए यार शुरू करते हैं। हाँ तो सर, सरबजीत जी, मैं ये कह रहा था आपसे, T50 का आप MRP एक बार चेक कर लो, क्या MRP है उसका? उसके ऊपर 15% या 16% के आसपास आपको लेस मिल जाएगा। अजीत कुमार जी, गुड इवनिंग अजीत जी, कैसे हैं? हर्षवर्धन जी, नमस्कार सर, नमस्कार हर्ष भाई, कैसे हैं आप? अमित परदेसी, हाय है अमित परदेसी है। हेलो सर बाबू सैनी, हेलो सर, आपका शोरूम कहाँ पर है? बाबू जी, शोरूम तो नहीं है मेरा, छोटा सा एक डेमो रूम है और एक ऑफिस है, तो दिल्ली में विष्णु गार्डन एरिया है, पैसिफिक मॉल है सुभाष नगर का, उसकी बैक साइड पे विष्णु गार्डन पड़ता है, बस वहीं पर ही मेरा छोटा सा शॉप कह लो या जो मर्ज़ी आप कह सकते हो। बाबू जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू भाई, उन्नी में काम काज सारे छड के तेरी अंग दा ले लू नाप। ये फारूकी भाई को पता नहीं क्या हो रहा है, बीच में बहुत धड़ाधड़ फोन मारने पे लग गए हैं। अरे इस पे कर लो फोन यार, दूसरे वाले नंबर पे। तो यहाँ से काटेंगे पहले, तब तो मैं बैक कॉल यहाँ से मिलाऊंगी उनको। हेलो, हाँ जी, अरे वो उस पे वो दूसरी वो लाइव चल रही थी ना यूट्यूब वाली, इसलिए नहीं उठा रहा था वहाँ से। हाँ एल्केमिस्ट का? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी फेसबुक पे भी नहीं है, वो सिर्फ ग्रुप में डाला था मेरे मेरे अपने पे। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, क्या हो गया? नहीं नहीं मैं हटा देता हूँ कोई नहीं, नहीं वो तो मेरे ग्रुप के अंदर डला था पहले, वो भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है जब डला था, वैसे अब तक तो ध्यान भी नहीं होगा किसी को उसमें। चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मैं कर देता हूँ, कोई नहीं कर देता। ओके भाई,
हाँ जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी हो गया काम, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसे पहले, उसके बाद फिर तसल्ली से बातें करते हैं। तो चलिए, सरबजीत सिंह जी, सर कैन यू डिलीवर्ड टू पंजाब कपूरथला? जी सरबजीत जी, डिलीवर हो जाएगा। उसके देखिए जो भी चार्जेस उसमें आएंगे, आपको शिपिंग के जो भी कॉस्ट उसमें लगेगी वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। बाकी डिलीवरी तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप ले सकते हो। रंजीत कुमार जी, प्लीज़ टेल मी द प्राइस ऑफ एटमॉस 7.1। सर एटमॉस 7.1 नहीं होता, 7.2 ही आते हैं विद कंपनी। एंड आई वॉन्ट टू बाय इकोनॉमिकल एटमॉस स्पीकर्स विद रिसीवर इकोनॉमिकल। रजनीश जी, तकरीबन तकरीबन 7.1 का पैकेज अगर आप लगा के चलते हो एक एटमॉस में, तो वो आपको ना तकरीबन जो है उसका अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली तो अभी प्राइस जब नया माल आएगा तभी पता लगेगा कि क्या रेट आ रहा है। बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो सा प्राइस है वो 1 लाख के आसपास पड़ता है आपको, जिसके अंदर डेनन का 1600 एवी रिसीवर है और साथ में उसके आपको मिलते हैं जी इलेक सिनेमा 5 का पैकेज या फिर पॉल कार्डियो टीएल 16 का पैकेज, और एटमॉस पे लगाने के लिए 2 स्पीकर मिलेंगे आपको OWM 3 पॉल। तो ये तकरीबन जो है ये आपको पड़ता है 1 लाख रुपीज़ में। बाकी का जो है वो जब एक बार स्टॉक आएगा, अभी नया जो स्टॉक आना है तो एग्जैक्टली जो है वो तभी पता लगेगा। देव ज्योति सर, व्हेन विल यू गेट फ्रेश स्टॉक डेटा? जब इस एंड इलेक 10 तो सर अवेलेबल है ही है, इलेक 10 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही यहाँ पर। बाकी 2600 जो सर टू यानी कि 2600 एक्स्ट्रा 2600 है वो यार अभी तो तकरीबन 1 वीक तो कम से कम लगा के चलो, उसे आने में लगेगा अभी इतना टाइम। तो बाकी इलेक 10 है जो वो तो अवेलेबल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिर्फ डेनन का जो सा सामान है, डेनन कंपनी का जो है AVR है वो शॉर्ट है, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है इसमें। अब ये शॉर्ट इसलिए भी है, देखो एक तो बढ़ना है इनका MRP और सेकेंडली हो सकता है कि ये मॉडल जो सा चेंज कर दे, कोई नया मॉडल निकाल दे, तो इस वजह से अभी मैं मना ही कर रहा हूँ प्राइस किसी को भी दे नहीं रहा कि भैया माल ला लें दो, जब ही पता लगेगा। रिसालुद्दीन, अमित भाई मेरा रूम साइज 20-14, इसके लिए डॉल्बी एटमॉस बताओ विद सीलिंग स्पीकर। 20-14 का कमरा है आपका तो भाई जान, सर वही हो जाता है उसमें, वही 1 लाख रुपए तक का पैकेज आप लगा के चलो जो मैंने अभी अभी जस्ट बताया ही है अभी। सर ऑनक्यो 7.2 पैक प्राइस क्या है? सर ऑनक्यो का जो 7.2 का पैकेज आ रहा है इस टाइम एटमॉस के अंदर वो पड़ रहा है 1,05,000 रुपये का, और बट आप लेना चाहो चलो ले सकते हो उसको, बट उससे ज़्यादा बेटर वो रहेगा कि अगर आप अलग अलग सामान लेते हो, क्योंकि पैकेज जो है वो इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं रहता है एक क्वालिटी अगर आपको चाहिए उसमें तो। हर्षवर्धन सर, मेरे पास ऑनक्यो R340 के स्पीकर्स हैं, क्या उन्हें डॉल्बी एटमॉस AVR पर चला सकते हैं? जी सर चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ohms के स्पीकर होंगे आपके ये जो उनसे 340 आप बता रहे हो, तो 6 ohms के स्पीकर आप लगा सकते हो उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। AVR आप डेनन ले सकते हो, बाकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है, देखो कंपनीज तो बहुत हैं। सुमैया जी, इलेक 10 का प्राइस क्या है? इलेक 10 सर आपको पड़ेगा तकरीबन 90,000 के आसपास में। हेलो जयेश भाई, क्या हाल है? किटी चौधरी, बाइक क्लिप्स का साउंड अवेलेबल है इंडिया में? बिल्कुल सर, बिल्कुल अवेलेबल है। जयेश जी, अमित जी कैसे हो? ठीक हो भाई जयेश भाई, बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? देव ज्योति सर, अरे एक मिनट सर, RG सर्विस सेंटर और डेनन इलेक इन हैदराबाद। सर इसके लिए तो जयेश जी आपको एक बार ही नेट पर ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद के बारे में मैं भी नहीं बता सकता। बाकी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर हर जगह सर्विस सेंटर्स खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हैदराबाद तो अच्छी जगह है, एक बड़ी सिटी है वो, कोई नॉर्मल सिटी तो नहीं आती हैदराबाद भी, तो वहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। इफ़ आई बाय फ्रॉम यू एंड आई नीड सम सर्विस, हाउ डज वर्क? तो सर ऐसा ही है, देखिए वहाँ पर अगर सर्विस सेंटर हैं आपके तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई अगर इन फ्यूचर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहाँ पर भी सर्विस सेंटर्स अवेलेबल होंगे सर।
अभिलेश्वरवंशी। आज ये नाम बड़े मुश्किल मुश्किल वाले आ रहे हैं यार, क्या चक्कर है ये? वेली शाहला भाई साहब, नाम थोड़ा सा सॉरी गलत अगर ले लूँ मैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा आपका नाम क्या है। वामिशी जी कह रहे हैं सर, डेनन डीमन डेनन के 2020 एवी रिसीवर कब तक आएंगे? सर अभी कुछ नहीं पता, अभी कब तक आएंगे अभी तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। बाकी शायद हो सकता है अभी, जैसे कि ये अभी माल अवेलेबल नहीं है डेनन का, तो ये हो सकता है कि जब भी अभी लॉट आए तो उसके साथ में जो उनसे 2020 8K रिसीवर्स है वो भी शायद साथ में लॉन्च हो जाए यहाँ इंडिया में भी। किटी चौधरी, क्या प्राइस है क्लिप्स का? भाई साहब मॉडल पे डिपेंड करता है किटी जी, क्या प्राइस है उसका? एक मॉडल नहीं आता, हज़ारों मॉडल है उसके। क्या चीज़ लेनी है आपने, कौन सा मॉडल लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका MRP आप देख लो कितना है चीज़ का जो भी आप देख रहे हो क्लिप्स के अंदर, तो उसका 15% उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बस। बाबू सैनी सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप फ़ोन नंबर और एड्रेस थंबनेल में डाल दो प्लीज़। बाबू भाई साहब मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ फ़ोन कॉल से, तो अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मेरा नंबर निकाल लेते हैं, मुझे नहीं पता। और ये इवन ये लगा लो कि अगर मुझे सोना भी होता है ना तो मुझे अपना फ़ोन बंद करके सोना पड़ता है अभी, और अगर मैंने फ़ोन नंबर ऐसे डिस्प्ले में डाल दिया ना तो मैं दुखी हो जाऊँगा सर। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जाओ या हमारा जो सा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो मुझे। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ कि बिना फ़ोन नंबर दिए बात नहीं हो सकती, आपकी कोई ऐसी क्वेरी है, आपका कोई नीड है ऐसी, तो उसके बाद में नंबर वाला काम भी करेंगे। हर्षवर्धन जी सर, आपके पास यूज्ड हेडफोन से भी रिसीवर है 30K का? हर्षवर्धन जी थोड़े से पैसे और डालो और नया ही ले लो, 38,000 में आपको नया मिल जाएगा 1300 नंबर, X1300 ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, तो पुराना क्या करना है लेके आपने। डॉली चौन एस जय एस जी, अमित जी ऑन क्यो HDR 550 और 670 में क्या डिफरेंस है? HDR में और 670 में 550, यार मुझे देखो एक्चुअल में तो याद में नहीं है जय जी ये दोनों मॉडल्स के बारे में कुछ खास, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये दोनों ही वैसे तो 7.1 ही है, एंड 550 में शायद यार HDMI मेरे ख्याल से कम है, और जो 670 है उसके अंदर HDMI का भी फ़र्क है, और शायद थोड़ा बहुत वाटेज का भी फ़र्क होगा, बाकी एकदम से इतना तो दिमाग में नहीं है मेरे दोनों के अंदर क्या फ़र्क आएगा। वैमशी सर, अब 8K AV रिसीवर लेना सही है या कुछ साल तक रुको? अगर सर ये सोचते रहोगे ना कि अभी के लिए रुक जाते हैं थोड़ा सा टाइम बाद और नई कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं ले सकोगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, और अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं ले पाओगे इसमें। डू यू डील विद यामा रिसीवर, व्हाट द यू शुड सजेस्ट बिटवीन यामा एंड डेनन? सर मैं तो देखो वैसे तो मैं डील नहीं करता यामा के अंदर, बट अगर कोई कहता है तो मंगवा कर भी दे देते हैं उसको, बट डेनन को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सुमित जी बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? आपके पास सोनी के ओल्ड म्यूज़िक सिस्टम है क्या? नहीं टेक्नो भाई, नहीं है मेरे पास, सोनी में डील ही नहीं करते। जय जी अमित एम्प और स्पीकर्स के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? आ चुके हैं सर वो 7.1 के लिए आपने आई थिंक बोला था, तो आ चुका है वो पैकेज, तो कंप्लीट पड़ा ही हुआ है वो, बीच में लाइव पर आ नहीं पाया मैं, बीच में तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, आज भी अभी आके दवाई खाई है पहले। सुमित जी सर, MI का 4K प्रोजेक्टर लो डिस्टेंस वाला कितने का मिल जाएगा? सर इंडिया के अंदर तो अवेलेबल नहीं है वो, बाकी अगर वैसे आप सुमित जी मंगवाते हो तो तकरीबन कोई आपको वो 1 लाख के आसपास के ऐसे कुछ पड़ेगा मतलब, तो यहाँ पर तो नहीं है अभी वो अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, तो मंगवाना पड़ेगा कहीं बाहर से ही आपको मंगवाना पड़ेगा वो।
ओ अब तो सही है ना तबीयत सर आज ठीक है जयेश भाई, थोड़ी सी बगट ज़्यादा नहीं, अभी भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, थोड़ी तकलीफ़ तो है ही है। या किसी और कंपनी का सर, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर काफ़ी कंपनीज के आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि MI वालों का ही आता है, LG के आते हैं, सभी कंपनीज के आते हैं, मतलब कि जो भी कंपनीज हैं सभी के आते हैं, आप किसी का भी ले सकते हो जो इंडिया में अवेलेबल है, तो आप LG है LG का ले सकते हो, ऑप्टोमा है ऑप्टोमा का ले सकते हो, और काफ़ी कंपनी है, किसी का भी ले सकते हो आप, शॉर्ट थ्रो सभी के आते हैं। कि सर एटमॉस के लिए डेनन 1600 या 2600, सर दोनों ही अच्छे हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 2600 ले लीजिए, अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो आप 1600 ले सकते हो, अगर 1600 को भी अलाउ नहीं कर रहा है तो आप 1300 ले सकते हो। विच ब्रांड्स गिव्स मोर देन 1 ईयर वारंटी? 1 साल से ऊपर की वारंटी सर आती है, आई थिंक क्यू इकोस्टिक है वो शायद 5 साल की वारंटी देता है, एंड पॉलकॉडियो भी मेरे ख्याल से पीछे तो 3 साल कर दिया था इन्होंने, तो अभी का मेरे को ध्यान में नहीं है, मेरे ख्याल से कितनी दे रहा है ये, जो AV रिसीवर्स वगैरह हैं वो सभी 1 ही साल की आती वारंटी के साथ आते हैं, उसमें वारंटी ज़्यादा नहीं मिलती, स्पीकर्स वगैरह के अंदर कुछ कंपनीज ज़्यादा वारंटी भी देती हैं, बाकी हाई एंड कंपनी की अगर बात करते हो तो कुछ कंपनी ऐसी हैं जो उनकी लाइफ टाइम वारंटी देती हैं, जैसे कि विल्सन ऑडियो है, तो विल्सन ऑडियो जो है वो आपको तमाम उम्र की, जब तक बिलिंग जिस बंदे के नाम पर हो रखी है वो बंदा अगर जिंदा है जब तक, तो वो उसकी वारंटी जो सी है वो चालू रहेगी, इवन अगर आपके घर पे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी, तो आप उसके नाम पे अगर विल्सन ऑडियो का कोई स्पीकर ले लेते हो, ये कनाडा की बात आपको मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप उसके नाम पे कोई भी स्पीकर विल्सन ऑडियो का लेते हो, तो वो बच्चे के ऊपर जो सा है उस सामान की जो वारंटी है वो तमाम उम्र तक रहेगी, बच्चा जब तक तो मान लो 80 साल का हो जाता है, 90 का, 100 का, जब भी मरता है वो, तो वारंटी आपकी जो सी है वो काम वहाँ की मतलब वैलिड रहेगी आपकी वारंटी जो सी है। कौन सा मॉडल है अमित जी और क्या स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस? यार मुझे जयेश भाई याद तो नहीं है, मैं आप चेक करके आपको यार बताऊंगा, अभी तो ऐसा तो ये मेरे ख्याल से 670 का पैकेज ही है शायद, 670 आता है या 690 है, 670 वाला पैकेज है आई थिंक ना। सरबजीत सिंह जी कह रहे हैं सर हाउ टू डू बाय द बोल ऑडियो फ्रॉम यू? सर इसके लिए देखो आप आना चाहो आ सकते हो, अगर नहीं आ सकते आप तो आपको अकाउंट के अंदर ही पेमेंट ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद में हम 1 या 2 दिन का टाइम जो भी लगेगा उसके बाद आपको यहाँ से कुरियर जाएगा उसका, और तकरीबन कपूरथला आपने बताया था जो 4-5 या 4-5 दिन के आसपास का टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने का, तो आपको डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी मतलब मिल जाएगी आपको वहाँ पे। हेलो अमित भाई जी कैसे हैं? काजरी भाई बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो? वेमशी जी सर आपका होम थिएटर कितना है? आपके बैकग्राउंड अच्छा है वैसे, वैसा चाहिए, कितना खर्चा आता है? यामशी जी बैकग्राउंड में कई चीज़ें हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, खाली एकूस्टिक की बात कर रहे हो या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हर्षवर्धन जी सर मैं ऑनक्यो में एटमॉस लेना चाहता हूँ 38K का। ऑनक्यो में सर 38K का सर यूज के अंदर अवेलेबल है, 38 में जो है वो उसी में मिल सकता है आपको, 737 मॉडल है वो यूज्ड में है, मगर जय जी अमित जी वीडियो बनाओगे या कल इंस्टा पे मैसेज करूँ? जयेश भाई वीडियो उसके ऊपर क्या वीडियो क्या बनानी यार, तो आप अगर वैसे ही इंस्टा पर मैसेज कर देना, उसी में मैं आपको डिटेल दे दूंगा सारी, अब उसके ऊपर वीडियो क्या बनाएंगे। सुमित कुमार जी सर आपके पीछे जो ब्लैक टावर है वो और सिंगल सब वूफर कितने का होगा? सर मैं चाहता हूँ धीरे धीरे कंप्लीट करूँ, क्योंकि अच्छा सिस्टम एक बार कंप्लीट नहीं बन पाएगा, इतना आपसे सीखा है। बिल्कुल सुमित भाई तरीका देखिए यही होता है, बाकी ब्लैक कलर के स्पीकर कौन से वाले कह रहे हो आप? ब्लैक ही पूछे है ना आपने सर? ब्लैक टावर किसको कह रहे हो आप? ब्लैक तो दोनों में से कोई भी नहीं है, आप मेरे ख्याल इसकी बात कर रहे हो शायद, तो ये तो वो है ग्रे से कलर में है वही, उसी की बात कर रहे हो आप आई थिंक,
तो इसके अगर आप खाली टावर टावर स्पीकर लेते हो तो सर 35,000 के ये पड़ेंगे आपको खाली टावर टावर। ठीक है चलो, ठीक है जयेश भाई, आप उस पर एक बार मुझे कर देना, मैसेज कर देना, तो जो भी डिटेल है मैं आपको एक बार कल उसकी चेक करके भेज दूंगा सारी। बेस्ट होम थिएटर अंडर 100K। सचिन जी वही है डेनन पैकेज जो सा बताया अभी मैंने, कि डेनन का एम्पलीफायर या इलेक और पॉल कॉडियो के स्पीकर्स के साथ में पैकेज आपका जो है वो बच जाता है, तकरीबन 1 लाख के आसपास का खर्चा है उसका। जैक किश किरहुमन, जैक रिहुमन जी, सर मुझे अंडर 20,000 5.1 रिसीवर चाहिए। सर ये नाम बहुत मुश्किल है आपका, मेरे को पहले तो नाम पढ़ने दो आप अपना। शिरसिया जी 20,000 के अंडर अंडर आपको ये 5.1, तो आप सर 5.1 के अंदर 5,000 रुपये और डालो और नया ही ले लो यार। आपको डेनन का 250 जो है वो ब्रांड न्यू मिल जाएगा विद 1 ईयर वारंटी के साथ में। कॉस्टिंग जो है वो पड़ेगी आपको 25,000। सुमित कुमार जी, जी सुमित कुमार जी, सुमित कुमार न्यू टावर या यूज सर? यूज सर, यूज नया तो बहुत महंगा पड़ेगा, ये आपको पुरानों की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सर आपने अभी बताया था 38K न्यू एटमोस, सर वो ऑनक्यो नहीं है, वो डेनन का है। हर जी आपने तो ऑनक्यो का बोला है मुझे, कि ऑनक्यो का 38K वाला रिसीवर आपने लिखा है मुझे, तो वो डेनन है, वो ऑनक्यो नहीं है। 38 के अंदर है वो, 1300 उसका मॉडल नंबर है, वो डेनन का है। मगर राहुल जी, हाय अमित भाई, हाय राहुल जी, कैसे हो आप? कैसे? मैं बहुत बढ़िया, बस आप बताओ आप कैसे हो। तरनजीत सिमरा सर कह रहा है ही गुड होम थिएटर कैन बी प्रिपेयर्ड इन 70K। सर डिपेंड करता है तरनजीत जी, क्या आप बनाना चाहते हो, आप क्या चाहिए आपको, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उस सभी चीज़ों को पहले बताएंगे तब पता लगेगा कि हाँ 70 में बनेगा या नहीं बनेगा। राहुल जी 12 इंची पावर सब वूफर कौन सा अवेलेबल है आपके पास? बाबू जी नहीं, ये बाबू जी का कमेंट नहीं था, ये था राहुल जी का। हाँ तो राहुल जी यूज़ के अंदर है तो BMW है मेरे पास में 12 इंचज में, और एक SVS भी है, वो भी अभी मैं बेच नहीं रहा, वो पर्सनली भी लगा हुआ है, तो वैसे थोड़े टाइम शायद बाद में उसको भी मैं सेल कर दूंगा। और नए में तो फिर कोई भी कहोगे तो मिल जाएगा, नए की तो कोई दिक्कत नहीं, जो सा भी चाहिए आप ले सकते हो। बाबू जी कह रहे हैं सर ये वाला मॉडल बाय करदा है 98 AC, प्राइस क्या है? 9800 सर ऑनक्यो का आपको पड़ेगा तकरीबन 1 लाख के आसपास का, 1,05,000 रुपये के आसपास पड़ता है, तो जितना जो भी लेस होगा इस पे वो लेस काट के तकरीबन कोई एक से थोड़ा सा हो सकता है कम ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे कुछ करके आपको मिल जाए। नहीं 9800 है ना ये, सॉरी सर 9800 जो है वो महंगा है, वो 1,25,000 के आसपास पड़ेगा, पहले मैंने आपको 7-8 का प्राइस बता दिया। भारत जी सर लो प्राइस 5.1 AVR फॉर मी, भरत जी लो प्राइस 5.1 AVR, सर अगर नया लेते हो तो मिनिमम जो है वो 75,000 रुपये का है, इससे नीचे ओ सॉरी 25,000 रुपये का है, इससे नीचे कोई नहीं है। और अगर आप पुराना AVR लेते हो तो तकरीबन 10,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। रावत जी सर ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में तो ठीक है, पर सर ये जो पंजाबी मूवीज़ में DTS रिकॉर्डिंग अलग तरीके से रिकॉर्ड होती है क्या सर? कंफ्यूज हूँ प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता रावत जी, सारी जो सी डिकोडिंग होती है वो तो कंपनीज तो वही है, सॉफ्टवेयर तो वही यूज़ हो रहे हैं, वो चाहे आप हिंदी के अंदर बन रही है, चाहे वो आपकी पंजाबी में बन रही है, चाहे इंग्लिश में बन रही है, चाहे तमिल में बन रही है, किसी भी लैंग्वेज में बन रही है, तो उस पर जो सा डिकोडिंग काम हो रहा है जो सा, वो सॉफ्टवेयर तो सेम ही है, सिर्फ उसे करने वाले जो बंदे हैं वो उसी लैंग्वेज को जिनको आती है तो वो उसी को डिकोड कर रहे हैं वो। बनी नवीन जी जी बनी जी पूरी बात बताते। साधु खान डू यू हैव नो इफ अमेजोन 14 गेज स्पीकर केबल इज गुड, व्हाट ब्रांड स्पीकर केबल डू यू सजेस्ट? सर ये देबो ज्योति जी अमेजोन जो अपने नाम से जो दे रहा है ना, जो उनसी गेज देता है, सॉरी जो उनसी वायर आ रही है इसकी, जो अमेजोन क्या आता है उसमें पता नहीं क्या लिखा होता है, अमेजोन चॉइस आई थिंक करके लिखा होता है, वो तो देखिए बिल्कुल नकली टाइप की केबल है सारी। अगर अच्छी कंपनी की केबल लेनी है तो प्रॉफी गोल्ड है, प्रॉफी गोल्ड ले सकते हो, DAC है,
एंड इसके साथ बैंड्रिज की भी है, बट बैंड्रिज इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो प्रॉफिकोल्ड इज़ अ वेरी गुड कंपनी, अगर आप लेना चाहो तो उसकी केबल्स ले सकते हो। SVS का कौन सा है आपके पास, कितना प्राइस होगा? राहुल जी SVS का है वो PB 2000 है वो, तो अभी तो सोच रहा हूँ सेल करने का, अभी सोचा नहीं है। अगर कोई और अच्छा मुझे मिल जाता है तो मैं उसे सेल करूँगा, नया ही लिया था ये मैंने, तो 1,90,000 रुपये के आसपास का नया है वो। और अगर बेचूंगा इसको तो तकरीबन 1,25,000 रुपये के आसपास का बेच दूंगा। रश्मि जी सर 4K एंड एटमोस मूवीज़ आप बेचोगे, कितने में आएगा वो मूवीज़? वामशी जी मैं नहीं बेचता, ये मूवीज़ वगैरह का काम बेचने का नहीं है मेरा, बट आप अमेज़ोन स्टिक ले लो, या फिर आप अगर स्मार्ट टीवी है या कोई आपने स्मार्ट ब्लूरे लगाया हुआ है या फिर कोई कंसोल आपने लगा रखा है अगर, तो उस पर आप ये नेटफ्लिक्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आप चला सकते हो। बाकी फिर आप कहीं से भी मूवीज़ जो सी है उसकी ओरिजिनल जो सीडीज़ हैं वो परचेज़ कर सकते हो। इवन आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो सीडीज़ को। सुमित कुमार सर आप अलग रहिए। थैंक यू सुमित जी, इसीलिए ना, अगर इसीलिए तो चैनल ग्रो नहीं हो रहा सर देखो। और बाकी जो उनसे कल ही मैंने एक वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं पाइनियर के एक जो सा भी ये सेट आ रहा है जिसके अंदर यहाँ आप उसको 3.2 चैनल चला सकते हो, या आप 3.1.2 या फिर 5.1 चला सकते हो, जिसे जो पाइनियर के पैकेज के साथ आ रहा है। दुनिया का सबसे निकम्मा सेट अगर मैं बोलूँ ना तो वो है। और कल मैंने एक वीडियो देखी है, बंदा बड़ा डिसेंट सा बंदा है, चश्मा लगाया होता है उसने, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है, और टोटली मतलब बिहेवियर जो है वो बिल्कुल नकली है कि वो कैमरा के आगे कुछ और वैसे कुछ और है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ तो उस सेट के बारे में वो जो बंदा बता रहा है वो उसे नंबर 1 पे लेकर आ रहा है। और मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था, मैं कहा यार इस बंदे की वीडियो देख के कोई अच्छा बंदा इसके कहने पे वो वाला सेट ले ले और जब अपने घर पे आ गए चलाए उसको वो, तो वो उसको कितनी गालियाँ निकालेगा कि ये इसने क्या रिव्यू किया था और ये क्या निकला है। और बहुत अच्छी ग्रोथ है चैनल की, सब्सक्राइबर ढेरों ढेर बढ़कर आ रहे हैं उस पर, और हम देख लो सर जी अभी भी 5,000 पे अटके हुए हैं तब भी। चलो खैर अपनी अपनी किस्मत होती है ये। तो आगे बढ़ते हैं जी श्याम जी के कमेंट की तरफ। तो 50K तक पायोनियर ले या यामा? सर 50K तक दोनों में से कोई ले लो, मगर जो से ये 3.1.2 वाले सिस्टम है ना, तो इनको नहीं लोगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है सर, आपका पैसा है। अच्छा 5.1 पैकेज खरीद लो, वो ज़्यादा अच्छे रहोगे उसमें आप। श्याम जगदीश तो हो गया। श्रिया जी पूरा NAAV रिसीवर 5.1 कहाँ पर मिलेगा सर? पुराना सर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट अब आपको क्या चीज़ चाहिए उस पर डिपेंड करता है, आपका बजट क्या है वो बताइए। इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजिएगा, सारी डिटेल लिखकर एक ही मैसेज के अंदर बार बार, मतलब अलग अलग ऐसे मत कीजिएगा कि एक मैसेज लीजिए फिर मैं आपको मैसेज करूं फिर वो चीज़ मैं आपसे पूछूं, ऐसा नहीं। एक मैसेज भेजिएगा उसके अंदर पूरी डिटेल जो जो चीज़ आपको चाहिए या फिर जो भी पूछना चाहते हैं आप वो सारा इकट्ठा लिखिएगा उस पर फिर भेजिएगा। और यार वीडियो को लाइक करते जाया करो, जिस जिसको सवालों के जवाब मिलते जा रहे हो, किसी को ना अच्छा लग रहा हो तो बेफिक्र हो गए, डिसलाइक भी वो कर सकता है, ऐसा मैं चाहूँगा तो नहीं, मगर फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार कोई भी नया बंदा जुड़ा हो जो पहली बार आया हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो सी है वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए मैं वापस आ जाता हूँ आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही। तो यहाँ पर तरनजीत जी कह रहे हैं आई जस्ट नीड होम थिएटर फॉर माई बेडरूम ओके विद 65 इंचज टीवी फॉर वॉचिंग मूवीज लाइक सिनेमा इफेक्ट, बजट इज 70K। हाँ तो तरनजीत जी आप यहाँ पर 5.1 का पैकेज लगाइए सर, अच्छा डेनन का AV रिसीवर लीजिए 250, 25,000 रुपये का आपको वो पड़ेगा एक साल की वारंटी के साथ में विद बिल। और उसके साथ में आप लगा लीजिए इलेक्स सिनेमा 5 लगा सकते हैं या पॉल कॉडियो TL 1600 लगा सकते हैं, 40,000 के आपको वो पड़ते हैं, तो तकरीबन 65 हो गया ना, कितना हुआ
40 और 20 60, हाँ 65,000 रुपीज़ जो है वो आपके लगेंगे। और एक माफ़ी चाहूँगा सॉरी यार, तो फिर 65,000 के आसपास आपके लगेंगे और आपका मस्त वाला सेट तैयार हो जाएगा। सोमया जी, पॉल का T50 अवेलेबल है, प्राइस कितना होगा? सर सोमया जी, पॉल कॉडियो का सभी मॉडल्स अवेलेबल हैं, प्राइस जो है उसकी MRP आप चेक कीजिए तो उसके अंदर आपको 15% का डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा MRP के ऊपर। अब पूरे पूरे कंप्लीट पैकेज की जो सी MRP आ रही है वो मेरे ख्याल से है शायद 65,000 के आसपास है वो, तो उसमें से आप 15% के आसपास लेस कर लीजिए अगर पूरा पैकेज लेना चाहें। बॉस एकेस्टोमाई सीरीज़ यूज्ड है आपके पास? नहीं सर अंकुश भाई, अभी नहीं है, सेल हो चुकी है वो। नितिन कुमार जी, अमित सर डैनन 8500 आपका फाइनल प्राइस क्या है? नितिन जी, MRP के ऊपर आपको मिलेगा, उस पर 38% का लेस मिलेगा सर। तो अभी MRP आप देख लो, 3 लाख समथिंग कुछ, मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है, ये शायद 330-340 ऐसे कुछ MRP है, तो उसके ऊपर आप 38% को लेस कर लीजिए तो उतने का आपको पड़ जाएगा। RY Amazon बेसिस, जी सर वो Amazon बेसिस, बिल्कुल समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो, हाँ वो Amazon बेसिस वाली जो सी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की बात कर रहा था मैं। थैंक यू RY जी। देव्यो ज्योति जी, हाउ मच विल प्रोफिगोल्ड 100 फुट स्पीकर केबल कॉस्ट? देव ज्योति जी, ये अलग अलग कॉस्ट है, मतलब कि एक नहीं आता, साइजेस का हिसाब होता है, गेज का हिसाब होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट अच्छी केबल है इसकी, तो मेरे ख्याल से शायद आप 14 या 16 गेज की केबल लेते हो, अगर एक रोल लेते हो इनका तो शायद कुछ 4,000 या 5,000 रुपये के आसपास आई थिंक ऐसे कुछ होगा, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने केबल जोन सी मंगवाई थी मैंने तो वो तो दूसरी मैंने काफ़ी हैवी में मंगवाई थी तो वो काफ़ी महंगी थी, वो तो 13-14,000 रुपये के आसपास का रोल आया था। बट आप एक बार नेट पे सर चेक कर सकते हो, अमेज़ोन वगैरह पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हो एक बार। रोजी, आई वांट एक्स्ट्रा रेयर स्पीकर्स फॉर होम थिएटर। हाँ जी रोहित जी, मिल जाएंगे आपको, 2 स्पीकर अगर अलग से चाहिए आपको तो मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए आप प्लीज़, अपने स्पेसिफिकेशन के साथ में कि आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसी के हिसाब से फिर मैं आपको बता दूंगा। सचिन जी, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनक्यो HT9800? अच्छा सेट है सर, 9800 जो है वो भी अच्छा सेट है, आई थिंक अभी आज जो सी वीडियो है वो उसी के ऊपर ही बनी है, तो शायद देखिए कल या परसों वो वाली वीडियो भी आपको चैनल पर मिली जाएगी, तो आप जुड़े रहिएगा हमसे और इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बारी, तो कुछ डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। और अपनी हर वीडियो के अंदर देखिए मैं कमियां भी साथ में बताता हूँ और अच्छाइयां भी साथ में बताता हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो खुद ही कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। रोहित जी, आई वांट एक्स्ट्रा रेयर स्पीकर्स। बिल्कुल सर, मैंने बता दिया आपको कि इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिए, मिल जाएंगे। तरनजीत जी, चैनल नेम इज़ विनीत मल्होत्रा। सर जी ये क्या कह रहे हो आप तरनजीत जी, मैं नहीं समझा आपकी बात, मुझे समझ नहीं लगा सर। जयेश जी कह रहे हैं, अमित जी ऑनक्यो SVR 390 AVR मिल जाएगा क्या? 390 सर, मेरे को यार मैं आपको यार एक तो मेरे को याद नहीं रहता यार, सही बताऊँ ना जयेश भाई, 390 भैया देख के बताऊँगा, जयेश भाई चेक करना पड़ेगा यार एक बारी, ऐसे मेरे को याद नहीं, ध्यान में नहीं आएगा मेरे यार। विक्रम सिंह जी, गुरु जी डैनन 2700 का की प्राइस क्या है? विक्रम जी अभी अभी प्राइस इसका कुछ नहीं पता, लास्ट जो से बेचे हैं ये हमने 48,000, नहीं किसका पूछ रहे हो आप ऐसे, कहाँ गए 2700 का ना, तो जो 2700 है यार ये 2700 सर 2600 बेचा है अभी लास्ट, तो 2600 जो लास्ट पीस बिका है वो 58,000 का बेचा है, उसके बाद में माल नहीं मिला, तो अभी देखो कि क्या रेट आता है और 2700 आता है 2600 आता है क्या आता है, तो वो तब पता लगेगा, अभी कुछ नहीं पता इस बारे में। शशिकला जी, हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शशि जी, कैसी हैं या कैसे हैं? हेलो शोभित भाई, कैसे हो, मज़े ले रहे हो सर पूरे मूवीज़ की, आप मेरे को वीडियो भेजी थी आपने।
तो शोभी जी कैसा रहा सिस्टम आपका? आप भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए प्लीज। रोहित जी आई वांट एक्स्ट्रा। अरे मेरे भैया क्या हो गया आपको? रोहित भैया क्या हो गया आपको? दीपक जी सर आपको डॉल्बी एटमॉस कौन सा बेस्ट लगता है जो 13:17 के रूम में अच्छा होगा, जो थिएटर का मज़ा दे? दीपक जी बजट बताइए सर, आपका बजट कितना है, उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा होगा। अच्छा तो फिर अच्छा होता है, वो तो हो सकता है कि भाई साहब हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। टॉरेंट का सबवूफर कैसा है? थोनेट। हर्ष भाई सॉरी मेरे को तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं इसका। ये है शेरशिया। शेरशिया जी टी थैंक्स सर जी, आप हर आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। थैंक यू शेरशिया जी। या नाम गलत लूँ ना अगर मैं किसी का, भाई माइंड मत करना प्लीज़, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि मेरे से लिए नहीं जाते ढंग से, तो इसके लिए पहले ही सॉरी भी कह रहा हूँ आप सभी को। और माइंड मत करना अगर कोई भी गलत नाम अगर मैं किसी का ले लूँ तो। तरनजीत जी थैंक्स अमित जी फॉर आंसर माई क्वेश्चन। तरनजीत जी बैठे ही ऐसे काम वास्ते हो रहा, पर की करना है, दुनिया चप आई ऐसे काम वास्ते हैं बस। विशेष वाशमी जी सर मेरे पास LG का नाइट होम थिएटर है सर, अब मैं खाली एक रिसीवर ले के एटमॉस का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। वशमी जी वामशी जी देखिए ये डिपेंड करता है आपके स्पीकर्स के ऊपर कि जो से स्पीकर्स उसके साथ आपको आए हैं वो स्पीकर्स की इंपीडेंस क्या है, वॉटेज क्या है, वो कंपेटेबल हैं इन एम्पलीफायर्स के लिए या नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो मैटर करती हैं इनको आपस में मैच करने के लिए, तो पहले वो देखना होगा उसके बाद में पता लगेगा कि आप सिर्फ एक AV रिसीवर को ऐड कर एटमॉस का सेटअप बना सकते हो या नहीं बना सकते। गणेश जी 35K में अच्छे से स्टीरियो सिस्टम मिलेगा क्या? गणेश जी नया तो नहीं मिलेगा, पुराने में शायद कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। सचिन जी हाउ इज़ परफॉर्मेंस ऑफ ऑनक्यो ST98? सर ये अभी पहले भी आपने पूछा है, किसी और ने भी शायद पूछा हो, चलिए खैर कोई बात नहीं, बट 9800 की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है सर, ठीक है, बढ़िया है, वो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उसके, स्पीकर्स जो उनसे हैं ना उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर ये मैं आपको साउंड क्वालिटी तो देखो बहुत ज़्यादा मैं अच्छी नहीं कहूँगा, मगर अच्छी है वो भी, बट बिल्ड क्वालिटी जो उनसी है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है मगर उसकी यार। सुमित कुमार जी सर मेरे लास्ट क्वेश्चन में हमने एटमॉस साउंड सिस्टम के साथ 10 या 12 फीट रूम में शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर ले या बिग TV, वट इज़ बेस्ट फॉर आईज एंड पिक्चर क्वालिटी? देखो सर सच्चाई आपको अगर मैं बताऊंगा ना तो जो TV है ना वो प्रोजेक्टर से काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा रहता है। देखो सबसे पहली बात, एक तो आपको उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है, सेकेंडली उसका आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो, उसकी जो लाइफ है वो भी प्रोजेक्टर से ज़्यादा होती है, तो इन सभी चीज़ों को अगर मिलाकर चलते हैं तो एक प्रोजेक्टर से एक अच्छा TV जो है वो हमेशा बेटर होता है। सिर्फ प्रोजेक्टर में हमें ये है कि कम पैसों में बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब देखिए यूजेज की बात आ जाती है कि आपका जो यूज़ है वो क्या है, अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप कभी भी प्रोजेक्टर मत लो। आपका अगर लिमिटेड यूज़ है कि आपने हफ्ते में कभी 1-2 दिन के लिए बैठना है, चलो ठीक है यार मूवीज़ वगैरह देख ली, या दिन में कभी आधा पौना घंटा गेमिंग वगैरह का शौक है तो इस तरीके से आप कर रहे हो तो प्रोजेक्टर इज़ ओके, बट अगर आपका यूज़ लंबा है तो प्रोजेक्टर की सलाह मैं किसी को भी नहीं दूंगा। सेकेंडली प्रोजेक्टर में क्या है कि देखो आपको अंधेरा चाहिए उसके लिए, तो आप सबसे पहले प्रोजेक्टर लेने से पहले इस चीज़ को भी आप सोच के चलो कि जो भी आपका यूज़ है उस यूज़ के हिसाब से आप अपने कमरे को हमेशा बंद रख सकते हो, लाइट ऑफ रख सकते हो कि नहीं रख सकते वहाँ पर, कि जिस भी जगह आप उसे लगा रहे हो, तो ये सभी चीज़ों को एक बार सोच लो पहले, उसके बाद में डिसाइड करो कि प्रोजेक्टर लेना चाहिए या अच्छा TV लेना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो भी बननी है तो, बट वो मेरे को काफ़ी बंदों ने पूछा भी था। मुझे लग रहा था दरवाज़ा शायद कटक रहा है, तो काफ़ी बंदों ने पूछा भी था इसलिए इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे।
चल सीधा हो जा। अंकुश जी, अगर 9.2 एवी रिसीवर सेट घर में लगाएंगे तो 9.2 साउंड इफेक्ट मिलता है क्या, और मार्केट में 9.2 मूवीज अवेलेबल है क्या? अंकुश जी, सबसे पहली बात देखो ये आ जाती है कि रिसीवर अगर वो 9.2 चैनल सेट बन रहा है तो देखो उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है आपको मिलेगा भी मिलेगा, अगर आपने अपने स्पीकर्स प्लेसमेंट को सही तरीके से किया हुआ है तब। और आपका अगला जो सी कमेंट में आपने बाकी लिखा है वो है मार्केट में मूवीज़ अवेलेबल है। मूवीज़ जो सी होती है वो 7 चैनल में बनती हैं, बट हमारा जो सा रिसीवर होता है वो उसे दोबारा इनकोड करता है, वो डिसाइड करता है कि उसने कितने चैनल की प्रोसेसिंग को करना है, तो उस हिसाब से वो अपने आप उसे प्रोसेस करता है जिससे कि वो एक 9.1 ऑडियो या फिर आप जो भी सिस्टम आपका है 11 चैनल है 13 चैनल है या 9 चैनल है उसके हिसाब से वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो आगे चलते हैं। रावत जी कह रहे हैं सर ये जो बड़ी कंपनियों के DTS सेटअप PCM वगैरह में PC कनेक्टिविटी नहीं होती है क्या? सेटअप के अंदर सर PC कनेक्टिविटी तो मेरे हिसाब से देखो वो आपके PC पे भी डिपेंड करता है कि आपके PC के अंदर SDM आउट दी गई है कि नहीं दी गई है, या फिर साउंड के लिए ऑप्टिकल आउट है कि नहीं है, तो उससे अगर आपका ऐसी भी कोई भी उसमें आउटपुट दे रखी है तो आप PC भी कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। वाशमी जी, सर डेनन 2600 कितना है आप डिलीवर करोगे? वामशी जी, अभी नहीं है डेनन का कोई भी इस टाइम मॉडल जो उनसे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक 1300 अवेलेबल है अभी और 250 जोन्स है वो अवेलेबल है, बाकी मॉडल अवेलेबल नहीं है। अभी हफ्ता लग जाएगा तकरीबन आते हुए, उसके बाद पता लगेगा वो कितने में आता है या क्या होता है उसका। और डिलीवरी जोन्स है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जोन्स जो भी शिपिंग चार्ज होगा उसका वो पे करना होता है। बाबूजी, विष्णु गार्डन एरिया पैसिफिक मॉल सुभाष नगर, सर एड्रेस भी बता दो प्लीज़। बाबूजी एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए प्लीज़, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए आप RS ऑडियो इंडिया को, तो वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यूट्यूब स्टूडियो डेनन 1500-200 वाट सबवूफर चलाएगी क्या भैया जी? भैया डेनन के ऊपर जो आपने मॉडल बताया 1500, आपका नाम क्या था? यूट्यूब स्टूडियो जी, डेनन 1500 जोन से है देखो, उसके ऊपर आप कितने भी वाट का सबवूफर लगाओ उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबवूफर जोन से वो लगना है इसमें एक्टिव, तो एक्टिव सबवूफर के अंदर अपना इनबिल्ट एम्पलीफायर लगा होता है जो कि उसे ड्राइव करने के लिए लगा है, तो आपका जोन सा AVR है उसने सिर्फ वहाँ पर सिग्नल भेजना है, उसका कोई लोड जोन सा आपके सबवूफर का वो उसके ऊपर नहीं आएगा, तो चाहे आप उसमें 200 वाट लगाओ चाहे 2000 वाट लगाओ चाहे 20000 वाट का लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शशिकला जी, सर मेरा बजट 100,000 है, मेरे लिए बेस्ट AV एटमॉस पैकेज नहीं तो पॉल्क सिग्नेचर टावर स्पीकर्स एंड डेनन 1600 सबवूफर सराउंडिंग स्पीकर इलेक्स सिनेमा 5 स्पीकर थोड़ा कॉस्ट बताओ। ये शशिकला जी 100,000 के अंदर देखो डेनन का 1600 नंबर 1600 यानी कि, और हाँ 1600 जोन से वो जो लास्ट बिका है वो बिका है 45,000 में, बट अभी जब स्टॉक आएगा तब प्राइस का पता लगेगा एग्जैक्ट क्या आता है, हो सकता है कम भी आए हो सकता है ज़्यादा आए मुझे नहीं पता। उसके बाद में आपने बोला है जी पॉल्क ऑडियो सिग्नेचर टावर, सिग्नेचर जोन से वो पॉल्क ऑडियो का MRP देख लो उस पर 15% का लेस है, मेरे को याद नहीं है वो कितना है। एंड सिनेमा 5 जोन से वो पड़ेगा आपको 38,000 का, दैट्स इट। बाबूजी सर टुमारो आपके पास विजिट करना करने हैं जी? बाबूजी एक बार रात को आप मेरे को मैसेज भेज दो पहले, और टाइम लेके आना प्लीज़ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो एक बार पहले बात हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनोज शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज जी, अच्छी HDMI एंड ऑप्टिक केबल कौन सी कंपनी की है जो EARC को सपोर्ट करे? मनोज जी सबसे पहली बात देखो ERC और AARC के लिए केबल जो सी है वो अलग नहीं होती, पहले ये बात आप माइंड में रखो अपने। बहुत से दुकानदार हैं जो उनसे इन दोनों केबल्स को अलग अलग करके बेचते हैं, बट जो केबल ARC पे यूज़ होती है वही केबल EARC पर भी यूज़ होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। सेकेंड, केबल जो सी है वो अच्छी क्वालिटी की ही लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं जो केबल यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉफी गोल्ड की केबल मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ,
तो उसका मेरे को मॉडल नंबर यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा क्या है। बाकी भी एक पीछे वीडियो जो उनसी डली थी, थर्ड पार्ट डला था होम थिएटर रूम का, उसके अंदर उसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। तो आप एक बार वो वीडियो के अंदर जाओगे तो उसमें आपको इसके बारे में भी पता लग जाएगा कि कौन सी HDMI केबल यूज़ हुई है और कौन सी ऑप्टिक केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। सतनाम सिंह जी, बोल्ट एवेंट बार 3160 वाट ब्लूटूथ साउंड बार कैसा है भाई? सतनाम जी ठीक है, अच्छी है वो भी, ठीक है सर, बजट के हिसाब से सही है वो भी। बट अभी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आता है मेरा कि आप एक साउंड बार को ख़रीद रहे हो, मतलब ये सतनाम जी आपके लिए नहीं है, वैसे जनरली सभी के लिए पूछ रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक साउंड बार को ख़रीद रहे हो तो उसका पर्पज़ क्या है आपका ख़रीदने का? मेरे को बहुत से लोग हैं जिनसे एक गाना सुनना है जिन्होंने, मतलब उनको टीवी के साथ कनेक्ट नहीं करना, उसको उसको सिर्फ लगाना है और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है और अपने गाने सुनने हैं, तो आप साउंड बार क्यों ले रहे हो भाई? साउंड बार जो सी है वो देखो मूवीज़ के लिए बनी हुई है, होम थिएटर भी जो है वो भी इवन म्यूजिक के लिए ही बना होता है वैसे। जेएस जी ब्रो, ऑन क्यू STR 390 या 690 था? नहीं 390 तो नहीं है जयेश भाई, 690 हो सकता है, 690 या 670 है, 390 नहीं है बट इतना तो मेरे को याद है। और 390 तो 5.1 चैनल होगा ना यार मेरे ख्याल से, 7.1 थोड़ी होगा वो। राहुल जी सर हेलो राहुल भाई, पोल कॉडियो का STS-12 का रेट पड़ेगा आपके यहाँ? सर जी जो भी देखो उसका MRP है राहुल जी, उसके ऊपर 15% या 16% के आसपास का लेस मिल जाएगा आपको। आई थिंक 47,000 के आसपास MRP है मेरे ख्याल से उसका, तो तकरीबन अब लगा लो 15% कितना बनेगा उसका। जेटोइची 9800 ऑन की OHV क्या कॉस्ट में मिलेगा अप्रॉक्स? 9800 का जो है वो 1,05,000 रुपये के आसपास का कॉस्ट करेगा सर। नवीन अरोड़ा जी हेलो अमित भाई, हेलो नवीन भाई कैसे हो? AVR के साथ वोल्टेज फंक्शन फ्लक्चुएशन के लिए कोई UPS या स्टेपलाइजर लगाना चाहिए क्या? सर स्टेपलाइजर से बेटर तो UPS ही रहेगा वैसे, क्योंकि UPS जो है वो तुरंत काम कर देते हैं, जो स्टेपलाइजर्स हैं वो फिर भी बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसे अप डाउन करने के लिए। तो या फिर आप CVT वगैरह जो है वो लगा लो, या फिर उसमें क्या होता है वो हमारा UPS जो उनसे हैं, अच्छा UPS कोई लेते हो तो वो भी बेटर रहेगा उसके लिए। सत्य नारायणन पन हाय पेंडेला जी, देवो ज्योति जी, डू यू हैव क्लिप्स रेफरेंस थिएटर 5.1 पैकेज विथ 18 सबवूफर विथ द कॉस्ट? सर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे देवोजीत जी मेरे पास में, बट अगर आपको चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा, और MRP के ऊपर 15% का आपको लेस मिलेगा उसके ऊपर, तो कोई भी मॉडल अगर आप चाहते होंगे तो मिल जाएगा बस। शुभन 75,000 तक में डेनन 1600 के साथ डॉल्बी एटमोस सेटअप वाला कौन सा स्पीकर आएगा? सर 75,000 तक में तो नहीं बन पाएगी बात, तकरीबन आपको 1,00,000 तक का जुगाड़ लगा के चलना पड़ेगा उस पर, क्योंकि आप सर जोन सी भी गाड़ी खरीदते हो ना तो वो टायर जोन से है ना वो उसी गाड़ी के डलवाने पड़ते हैं हमें। अगर मर्सिडीज ले रहे हो आप तो उसके अंदर मारुति के टायर नहीं डलेंगे। राहुल जी सर प्रोजेक्टर कौन सा लूँ घर के होम थिएटर के लिए? राहुल जी प्रोजेक्टर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर्स हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर यार, ऑप्टिमा है, LG है, एप्सन है, पैनासोनिक है, बहुत हैं, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ करिए। शोभित जी जी बहुत जी बहुत अच्छा है, चल रहा है 10 सबवूफर बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन बेस है, एंड इलेक्ट सिनेमा 10 भी बहुत अच्छे है, मज़ा आ रहा है मूवीज़ देखने पे, इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर मैं आपका करूँगा, आप इतनी दूर से मेरे ऊपर ट्रस्ट कर दिल्ली तक आए आप मेरे लिए, मेरे से सामान लेने के लिए, तो थैंक्स तो मैं आपका करूँगा यहाँ पर।
लखनऊ से स्पेशली यार ये हैं जो शोभित जी हैं, एक हमारे लखनऊ में रहते हैं, ये अभी पीछे आए थे। ये एक्चुअली दो बार आ चुके हैं वैसे मेरे पास में, पहले भी ये सामान ले गए थे, तो अभी वो वाला सामान इन्होंने मुझे वापसी किया था, तो उसको पूरा सिस्टम दोबारा से अपग्रेड किया था इन्होंने, तो अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे। इनको डेनन का 250 BT एम्पलीफायर दिया था हमने, और सिनेमा 10 के स्पीकर्स दिए थे इलेक के, एंड टेनॉय का सब 2.8 सबवूफर दिया था। तो शोभित भाई विश्वास करने के लिए भी धन्यवाद, इतनी दूर से आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडियाला जी, क्रिस्टल क्लियर वॉइस स्पीकर टेल मी सर 5.1.2। फिर से यार पेट में गड़बड़ हो रही है मेरे, मतलब अंदर से ना जैसे खिंच रहा होता है ना, कुछ ऐसे हो रहे हैं। ये पांडल जी, अभी अभी मैंने आपको देखो इसी सेट का पूरा अभी बताया है, कम से कम 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, इवन एक बार भी नहीं। 1 लाख रुपए तक का प्राइस पड़ता है इसका। देखो इलेक का सिनेमा का पैकेज 5 का पैकेज है, डेनन का एम्पलीफायर हो जाएगा और पॉल कॉडियो के सीलिंग स्पीकर्स हो जाएंगे उसमें। अंकुश जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मत कहो यार, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, वीडियो को रिक्वेस्ट है देखो आप लोगों से। बाकी देखो मैं तो हर बार कहता ही रहता हूँ, बट आप मानो ना मानो ये आपकी मर्जी होती है, बट फिर भी आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को शेयर करा करो, कि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो, जिससे थोड़ा और हौसला मिले, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है उससे, कि हाँ एक दिल में भी आता है कि हाँ यार जो हम काम कर रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से और ज़्यादा अच्छा काम करें। तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो यार, आपका उसमें कुछ नहीं जाना, शायद थोड़ा सा 2 या 4 मिनट आपके ख़राब होंगे बस, इससे ज़्यादा आपका कोई उसमें नुकसान नहीं होगा इससे ज़्यादा। अब मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। श्याम जी जामा HTC होम थिएटर, सर पूरी बात तो लिखो सर, क्या आपने अब ये लिख के भेज दिया मुझे YHT 3072 होम थिएटर, अब इसका करना क्या है ये तो बताओ। 4 G4R मरांड 7013 या 7015 कितने में, कितने के मिल सकता है? G4 ऑल जी मरांड्स के ऊपर आपको सर मिल जाएगा 35% का लेस, MRP चेक कर लो नेट पे कितनी है, उसमें से 35% लेस कर लो तो इतने में मिल जाएगा आपको, और एडवांस बुकिंग पे मिलेगा, अवेलेबल नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ मैं सबको, बोल देता हूँ ये चीज़ कि एडवांस बुकिंग के ऊपर मिलेगा। मगर डॉली जॉन सर ब्लूटूथ स्पीकर कौन सा ले? डॉली जी देखो ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में, बट अभी फ़िलहाल जो से मैं देख रहा हूँ तो एक बॉस का जो सा है, जो साउंड मिनी या ऐसा कुछ करके जो नाम है, जो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो काफ़ी अच्छा है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ खुद भी, तो साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छी मतलब कि उसकी आवाज़ आती है, और बेस ऐसे निकलता है उसमें से यार कि पता नहीं कहाँ से क्या बनाया है उन्होंने कि इतना छोटे से में से ऐसा बेस निकल रहा होता है, काफ़ी अच्छा स्पीकर है, अगर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। G4R और कब तक मिल सकता है? G4R जी आप जिस दिन एडवांस देते हैं हमें उसका एक दिन का बीच में हम टाइम लेंगे आपसे, तो एक दिन के बाद आपको सेट मिल जाएगा। वाशमी जी सर मिडिल क्लास के लिए अच्छा एटमॉस AV रिसीवर बोलिए। सर मिडिल क्लास के लिए 1600 से नीचे कोई भी रिसीवर नहीं है, इससे नीचे एटमॉस के अंदर कोई AVR है ही नहीं अभी तक। मनोज शर्मा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मनोज जी। दीपक सहदव जी सर जी 13-17 का हॉलवे डॉल्बी एटमॉस का सेट कौन सा अच्छा होगा जो थिएटर का मज़ा दे, और कौन सी कंपनी का आपको बेस्ट लगता हो, और प्लीज़ TV भी कौन सा अच्छा रहेगा वो भी बताएं, 1.5 लाख का बजट है। दीपक जी अगर 1.5 लाख का बजट टोटल आपका TV के समेत का है
तब तो इस रेट के अंदर एटमॉस का सेटअप नहीं बनेगा आपका, क्योंकि टीवी है पता नहीं, मुझे टीवी के बारे में नहीं पता, मैं अभी मामा बनी जाऊँ हर चीज़ को लेके कि हाँ भैया मेरे को बड़ा कुछ पता है, ये है वो है, तो टीवीज के बारे में नॉलेज मेरे को नहीं है। बाकी आप टीवीज कंपनी है जैसे कि एलजी है, सोनी है, सैमसंग है, इनमें से कोई जो भी हो, क्या प्राइस होता है या क्या होगा वो, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्योंकि एक अपनी जो मेरी मेन जो लाइन है मैं उसी पे रहता हूँ और उसी के बारे में बात करता हूँ, कि वीडियोस बनाने के लिए मैं ये नहीं करता कि टीवीज भी दिखाने शुरू कर दूँ, कैमरा भी दिखाने शुरू कर दूँ, ये भी दिखाता रहूँ वो भी दिखाता रहूँ। बाकी 1.5 लाख के अंदर अब टीवी कितने का आएगा ये नहीं मुझे पता, बाकी 1 लाख के अंदर आपका एटमॉस का जो सेट है वो बन जाएगा। मगर अब टीवी अगर 50,000 का होगा तो आपका 1.5 लाख रुपये में काम हो जाएगा। अरुण जी, आहूजा के सिस्टम अवेलेबल है क्या और क्या प्राइस है? सर सर आहूजा या इस टाइप की कोई भी कंपनी जो उनसी है ना, ये प्रोफेशनली स्पीकर्स वगैरह बनाते हैं, और डॉल्बी एटमॉस जो है वो इनकी पहुंच से अभी बहुत दूर है, और मुझे लगता नहीं कि कभी इनके हाथ में आएगा भी वो। अंकुश जी, यामा RXA 3060 यूज रिसीवर 1 ईयर ओल्ड कितने में लेना चाहिए? 3060 सर एग्जैक्टली तो यार मैं यहाँ पर अंकुश भाई नहीं बता पाऊँगा कुछ, बाकी 3060 मेरे ख्याल से वो 5.1 पैकेज के साथ में ही आता था जहाँ तक ध्यान है मुझे, जिसपे एक 5.1 चैनल AVR था और सब बूफर में पैसिव भी आई थिंक लग जाता था और एक्टिव भी लग जाता था, दोनों के ऑप्शन दिए होते थे शायद इसमें, ये वही वाला है रिसीवर। तो तकरीबन जो है वो 8,000, 7,000, 8,000, 10,000 इसके आसपास का लगा के चलिए। राजेंद्र कुमार जी, बेसमेंट में 9 फुट हाइट में बजट होम थिएटर प्लीज़। राजेंद्र कुमार जी, बजट होम थिएटर किसे बोल रहे हो आप, पहले वो बताओ ना आपका बजट कितना है। रियाज काजू, 35 में कौन सा पैकेज मिल सकता है? 35 में अगर तो नया लेना है तो भैया सोनी वोनी जो है, सोनी के जो मॉडल्स हैं कुछ 30-35 हज़ार के आसपास कुछ अच्छे मॉडल हैं सोनी में, मेरे को मॉडल नंबर याद नहीं है, तो आप वो ले सकते हो उसमें। विजय साहू जी, सर जी जी विजय भाई, उत्सव लोडालिया उत्सव जी, कैन आई यूज़ पॉल्क OWM3 एज अ सराउंड हाइट और फ्रंट हाइट? बिल्कुल सर। सर ये उत्सव जी, पॉक ऑडियो के ये जो OWM3 स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर ऐसे यार ऐसे स्पीकर्स हैं कि आप इन्हें जैसे मर्जी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, सराउंड पे लगा लो, हाइट पे लगा लो, फ्रंट हाइट, लेफ्ट बैक हाइट पे लगा लो, एटमॉस पे लगा लो, सराउंड स्पीकर पे लगा लो, कहीं भी लगा लो आप इसको, जहां मर्जी लगाओ इन्हें, हर जगह काम करते हैं। समीरा नायक जी, इस टेगा हार्मनी 606 इज गुड? यहाँ पर देखिए 606 टेगा हार्मनी के बारे में कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं मैं कहूँगा कि मिल रहा है, बाकी सस्ते हैं तो इस वजह से काफ़ी लोग ले भी रहे हैं, बट मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन की बात करते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करता इनको, एंड प्राइस इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा समय समीरा जी कि प्राइस के बारे में भी मुझे पता नहीं, बस ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। यार कोई भी बंदा नया है अगर इस चैनल पर, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम बस। और वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कौशल सिंह जी, सर 20,000 है, 2 लाख है तो नज़र भी नहीं आ रहा। 20,000 में सबसे अच्छा साउंड बार कौन सा है? सर 20,000 के अंदर सर यामा का था मेरे ख्याल से, एक JBL का 2.1 है आई थिंक, वो भी इसी रेंज के अंदर आ जाएगा आपका, एंड इसके अलावा और सोनी का भी है मॉडल, एक्चुअली देखिए मेरे को याद नहीं रहते ऐसे, वीडियो एक बनाई थी मैंने 5 साउंड बार के ऊपर, तो आप उसको देख लो एक बार तो उस पर आपको शायद अंदाज़ा लग सकता है उसमें। थैंक यू फॉर आंसर सर,
कोरोना काल में तबीयत की केयर ले लो। हरिओम हरिओम सर, हरिओम तो जी जी सर, पेट खराब हो रखा है, बाकी तो ठीक है। कोरोना वरोना से तो नहीं कुछ, अभी ऐसा कुछ नहीं है भगवान की दया से, बट वैसे ही कल से कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बीमारी पड़ी है अभी। डेविल डोम क्या नाम है यार, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डायरेक्टली एवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? 4K डॉल्बी एटमॉस साउंड क्वालिटी मिलेगी क्या फिर होम थिएटर से? बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है डेविल डेविल डे यार, एक तो नाम लेने में बड़े ओखे हैं ये डेविल डोम जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने। अभी हम एक चैनल की बात कर रहे थे पहले, अगर आपने सुना हो, जिसका मैंने कहा था कि नाम नहीं लूँगा, उस चैनल में बंदे ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं डेमो लेने के लिए गया था पाइनियर के 076 मॉडल का, तो वहाँ पर मैं अपनी पेन ड्राइव लेकर गया था और पेन ड्राइव से ही मैंने दो वीडियो चलाई थी, तो उसमें जो मूवीज़ के क्लिप मैंने देखे थे, तो वो क्लिप जब मैंने देखे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उसका। तो कोई उस नेक इंसान को, भगवान के प्यारे बंदे को ये पहले तो बोले कि AVR के अंदर जो USB दी गई होती है उसके अंदर वीडियो प्ले नहीं होती है, उसमें सिर्फ ऑडियो प्ले होती है। तो आप अगर झूठा रिव्यू कर रहे हो, गलत रिव्यू कर रहे हो किसी का, तो पहले उसके बारे में एटलीस्ट आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप उसको पढ़ लो उसके बारे में कि वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था सर आपका, तो आपको भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि वीडियो प्ले नहीं होती USB से, सिर्फ ऑडियो जो सी है वो प्ले कर सकते हो आप किसी भी AVR के अंदर से, वीडियो प्ले नहीं होगी उसमें कभी। पोथहेड सर जी, एप्सन 9400 प्रोजेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? सर जी प्रोजेक्टर के बारे में मेरी अभी राय तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मॉडल नंबर याद ही नहीं है कि वो कैसा है, कौन सा है, कितने का है, क्या करता है क्या नहीं करता, इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा आपको मैं। सुशांत जी हेलो भाई, आई हैव वॉच्ड योर कपल ऑफ वीडियो, यू एक्सप्लेन टेक्निकल थिंग इन वेरी सिंपल वे, वर्क नाइस, कीप अप एंड गुड वर्क, विश योर चैनल ग्रोथ। थैंक यू सुशांत जी। सर इसके लिए देखो, अगर आप दिल से चाहते हो कि चैनल ग्रो करे, तो आप सभी को भी थोड़ी सी हेल्प मेरी करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फेसबुक पे, अपनी इंस्टाग्राम पे, या जहाँ भी आप कर सकते हो तो करो बस, और क्या बोलूँ मैं। मनीष श्रीनत जी, 1 लाख में भी वायरलेस एट मॉस प्लीज़ इमीडिएट बाय इन कॉम्बिनेशन विद सोनी वर्सन 55। मनीष जी पहले तो धन्यवाद कहूँगा आपके लास्ट लाइन के लिए, मगर ऊपर की लाइन मैं समझ नहीं पाया। 1 लाख में भी वायरलेस एट मॉस सर, ये सोनी का जो आपने मॉडल नंबर लिखाई थी, ये तो आपका टीवी का मॉडल नंबर होगा ना, तो 1 लाख में सर वायरलेस के अंदर देखो कोई भी कंपनी, ये जितनी भी कंपनीज है ना, डेनन है, ऑनक्यो है, मारेंट्स है, या कोई भी कंपनी है अच्छी, जितनी भी कंपनीज है, वायरलेस सिस्टम्स वो नहीं बनाती हैं। वायरलेस सिस्टम जो उनसे है ना, वो आपको सिर्फ मिलेगा सोनी के अंदर, फिलिप्स के अंदर, बॉस के अंदर, इस टाइप की जो उनसी कंपनीज हैं, जो कि इंडिया को ज़्यादा टारगेट करके चलते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग जो उनसे है ना, उनकी बुद्धि थोड़ी अलग टाइप की है। मतलब मैं भी इंडिया में ही हूँ, तो मैं अपनी बात भी यहाँ, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ बीच में, कि हमारे को है ना दुनिया से अलग चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, कि वायरलेस होना चाहिए स्पीकर, ये होने चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि वो वायरलेस जो सा स्पीकर है वो काम करेगा ढंग से कि नहीं करेगा, पर हमें ये है कि हमने वायरलेस लेना है जी। मतलब एक जिद पकड़ने वाली बात होती है ना, जो सी हमने वो पकड़ लेते हैं हम। वायरलेस स्पीकर सर कभी भी कामयाब नहीं है। अब वो डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, कि आप कितना यूज़ कर रहे हो उसके। जो मॉडर्म है देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मॉडर्म्स होते हैं उसमें, उसके अंदर कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, वो धीरे धीरे कैपेसिटर जो उनसे है वो वीक होते जाते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी कमज़ोर होती जाएगी। इवन मैंने ऐसे ऐसी जगह भी देखी है, कई जगह सेटअप लगे होते हैं कि जब बीच में से कोई निकल के भी जाता है ना अगर, तो वो आवाज़ जो सी है वो बीच में ब्रेक हो जाती है। तो ये वायरलेस वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़ते हो यार आप लोग, मेरे को नहीं समझ लगती, सच्ची बता रहा हूँ इस चीज़ की। भैया अगर तो देखो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कि आप किसी कोई आपके पास तरीका ही नहीं है आपके पास में कि आप वायरलेस मतलब से कि आप वायर पीछे लेके जा सको,
तो एक फिर भी एक अलग चीज़, चलो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, बट जिनके पास जगह है सब कुछ है, वायर कनेक्टिविटी जो सी है वो हमेशा बेटर रहती है, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो। बस यही कहना चाहूँगा इस बारे में। और मेरी बात थोड़ी यार बुरी लगी अगर किसी को तो माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा बोलने का तरीका जो सा है ना वो थोड़ा अलग टाइप का है कि गांव वाले हैं, गांव से उठकर आए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क होता है, तो कईयों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, बट ऐसा दिल में कुछ नहीं होता। और दूसरा यही है कि जो मैं बाहर हूँ यार, मैं वही मतलब ऑन कैमरा जो हूँ ना, मैं ऑफ कैमरा भी वही हूँ, वो आप जब मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा। सुमित कुमार जी, सर आपके पीछे ग्रे वाले टावर के साथ कौन सा एवीआर लेना पड़ेगा जिसमें 7.2 या 9.2? सुमित जी, एवीआर तो आप कोई ले सकते हो, 2600 है। थोड़ा सा आपको एवीआर हैवी लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि स्पीकर्स का भी थोड़ा सा हिसाब होता है, तो इसके साथ में तकरीबन तकरीबन आपको वही 2600 नंबर जो है डेनन का, एटलीस्ट वो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1600 पर भी आप चला सकते हो, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एम्पलीफायर थोड़ा ज़्यादा अच्छा और हैवी होता है तो उतनी ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलती है उसमें। गुरु जी मेडिसिन ले 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 ली है? हाँ जी माता जी, ले ली है। मदर का मैसेज आया है अभी कि मेडिसिन खा ली है कि नहीं खाई है। जितनी फिक्र यार आपकी माँ आपकी कर सकती है ना, उतनी फिक्र आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। लाइव शुरू करते सर पहले फ़ोन आया है कि लाइव बाद में शुरू करियो, पहले दवाई खा ले। अब भी उनको विश्वास नहीं है कि खाई है कि नहीं खाई, तो अभी दोबारा बोल रहे उन्होंने कि खाई है कि नहीं खाई। सुमित कुमार जी, सर आप, ये तो हो गया था ना। सुमित जी, ये सर आपके पीछे जो ग्रेट आवर स्पीकर्स है उनके साथ कौन सा एवीआर लेना पड़ेगा बाद में? 2222 सर। सुमित जी, स्पीकर से कोई वो नहीं है कि आप एम्प कौन सा लेना है, आपने चैनल के हिसाब से, वो चाहे आपने जोन सा भी एम्प लेना है वो लो, जितने मर्जी चैनल का लो, उससे इसका क्या लेना देना। पोथेट जी, पोथेट नाम बड़ा गया यार, अजीब है। और पोल क्विजन 5.1.2 के साथ डेनन का कौन सा एवी रिसीवर लेना चाहिए? इसमें सर वही डेनन 1600 ले सकते हो इसके साथ में, या फिर आप 2600 ले सकते हो। अंकुश जी, कम बजट में होम थिएटर का वीडियो बनाए सर। सर बजट, कम बजट आप किसको बोलते हो ये भी बताओ। शायद अख्तर, क्या आपके पास जपीटी मिनी प्रो SDR मिलेगा? नहीं सर, मेरे पास नहीं मिलेगा। ये है क्या, इवन मुझे यही नहीं पता। विच वन इज़ बेटर टू ब्लू रे जीपीटी और ब्लू रे प्लेयर? सर ये जीपीटी है क्या मेरे को नहीं पता, बाकी आपके क्या मैसेज के हिसाब से जो लग रहा है वो मुझे कोई मीडिया प्लेयर ही लग रहा है वैसे ये। मीडिया प्लेयर इज मच बेटर यार, सॉरी ब्लू रे प्लेयर, ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें हमें काफ़ी स्मार्ट। ब्लू रे प्लेयर लो, उसमें नेटवर्किंग का काम भी मिल जाएगा आपको, CD भी प्ले कर सकते हो, USB हार्ड ड्राइव है, सभी फॉर्मेट्स भी वो सपोर्ट करेगा। जफर अली जी, सर कोई ऐसा AV रिसीवर है जो जिसमें पैसिव सब ऊपर कनेक्ट हो जाए? जफर अली जी, सब ये पैसिव या ये सॉरी AV रिसीवर्स आते हैं यार जिसमें ये हो जाते हैं पैसिव सब ऊपर कनेक्ट, बट अभी जोन से वो अभी नहीं आ रहे। अभी जोन से ये जो पैकेज के साथ में आ रहे हैं 5.1 है या इस टाइप से जो पैकेज आ रहे हैं जोन से ऑनक्यो के, पाइनियर वगैरह के, तो उसमें आप पैसिव सब ऊपर का ऑप्शन हमें दिया गया होता है, उस पर पैसिव सब ऊपर लग जाता है उसमें। इवन वो तो अभी पैसिव सब ऊपर के साथ ही रहे हैं वैसे। सनी सिंह जी, बोटिवा T0 और डाली Spectre 6, ठीक है जी। गुरुनाथ जी, हाय। गुरुनाथ जी हेलो, कैसे हो? रावत जी, सर इंडिया में तो इस फील्ड में आप ही बेस्ट हो, अगर सर मुझे 2002 से केवल और केवल आप ही मिले हो, आई लाइक यू। थैंक यू सो मच रावत जी।
एक्चुअली में रावत जी, जब तक ये जो YouTube है ना, ये होता क्या है एक्चुअली में, देखो इसकी एक काम करने का ना तरीका है किसका, कि जितनी वीडियो जल्दी ज़्यादा शेयर होती हैं, लोग मतलब कि शेयर कर रहे हैं उसको, और जो लाइक्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, व्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस को ना वो सर्चिंग के अंदर उसमें डालता है, सजेशन के अंदर डालता रहता है। तो अभी क्या है कि मेरे साथ इसकी कोई दुश्मनी है, पता नहीं क्या है बीमारी इसको, मेरे से क्या दुश्मनी है मेरी, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो सजेशन में नहीं आती है, बहुत कम आती है। इस वजह से ना पता ही नहीं लग पाता लोगों को कि इस नाम का भी कोई चैनल है इंडिया के अंदर। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता रहता हूँ कि यार चैनल को शेयर करा करो, जिससे कि चैनल ग्रो हो और हिम्मत मिले और अच्छी से अच्छी चीज़ें, जानकारी मैं भी ला सकूँ आपके लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर से आपका धन्यवाद करूँगा। मगर रावत जी एक बार दोबारा से, सचिन ससोडिया जी, क्लिप्स थिएटर पैकेज 5.1 स्पीकर कैसा है? सर क्लिप्स के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, बाकी क्लिप्स के नॉर्मली ज़्यादातर ठीक है, अच्छे हैं मॉडल। पंखा बिलो 50K, लॉसलेस कोडेक सपोर्ट होल पैकेज। ये पंखा जी, ये जो उनसे हमारे यामा के 3072 है, इसके अंदर भी हमें ये ऑप्शन हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ये भी ले सकते हो इसी के लिए, अगर आप काम करना चाहते हैं क्या करते हैं लॉसलेस फाइल चलाना के लिए, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं 50 के अंदर आपको मिल जाएंगे, बट एक 5.1 पैकेज अगर आप लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे, वो एटमॉस वाले चक्कर में पड़ने से। विक्रांत यादव जी, सर शॉप पर इतने टाइम, विक्रांत जी ये क्या कहा आपने, समझा नहीं सर मैं। रैना कुमार, हेलो रैना जी कैसे हैं सर। वैभव जैन, सर मेरा बजट 2 लाख ऑफ़ प्रोजेक्टर एंड डॉल्बी एटमॉस सेटअप 10x12 रूम, कैन यू टेल मी अ गुड सेटअप। वैभव जैन जी देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका कमरा 10-12 का है तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, बाकी आप लगाना चाहो देखो लगाओ, पैसा आपने लगाना है, मैंने नहीं लगाना, अच्छा लगे बुरा लगेगा वो आपकी वो है, बट मेरा जो ओपिनियन, जो मेरी सजेशन है आपको वो यही है कि इस कमरे के अंदर आप प्रोजेक्टर यूज़ ना करो, एक टीवी लो अच्छा 55 इंच का या 50 इंच के आसपास का, आप उसको यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड, आपका 2 लाख का अगर बजट है तो इसके अंदर आप डेनन का 2600 ले सकते हो, अगर आप टीवी थोड़ा सा सस्ते में आ जाते हो ले लेते हो तो, टीवी तो वैसे सस्ता मिलेगा नहीं, सस्ता प्रोजेक्टर ही मिलेगा वैसे, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि सिनेमा 10 है जो हमारा 1 लाख का, वो स्पीकर्स लगा सकते हो, 1 लाख से थोड़ा से कम में आपको वो स्पीकर्स मिल जाएंगे, और डेनन का 2600 है वो लगा सकते हो, तो ब्रांड्स का है वो 1400 समथिंग है वो लगा सकते हो आप यहाँ पर, तो बाकी प्रोजेक्टर से अच्छा टीवी रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो डिगंबर जी, सर जी सोनी HTS 500 RF साउंड बार, इसका ऑडियो कैसा है? दिगंबर जी मैं देखो यहाँ सच्चाई ही बताऊँगा आपको, गलत कुछ नहीं बोलूँगा, कि मैंने इसका कोई डेमो नहीं लिया अभी, या लिया भी हो तो मेरे को याद नहीं है इस मॉडल नंबर के हिसाब से, बाकी अगर लिया होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी साउंड बार के ऊपर, अगर उसका डेमो मैंने लिया होगा कहीं तो वो ये जो मॉडल है ये उस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड होगा, तो आप एक बार प्लीज़ वो देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कैसी है, उस पर प्लस और माइनस दोनों चीज़ें मैंने बताई हुई है वहाँ पर। कौशल सिंह जी, सर अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल सर, कौशल जी आप एक काम करिए, पहले आप वर्ड उस पर इंस्टाग्राम पर जाकर एक मैसेज, आप इंस्टाग्राम पर यार एक मैसेज सेंड कीजिए, उस पर अपनी ऑल रिक्वायरमेंट अगर आपको कुछ चाहिए या फिर आपके जो भी क्वेश्चन है वो एक सिंगल मैसेज के अंदर सारी डिटेल लिखकर भेज दीजिएगा, तो पहले हम वहाँ पर बात कर लेंगे, अगर कुछ ऐसी बात होगी जो फ़ोन पे हो सकती है तो वहाँ पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तरनजीत जी, पंजाबी बंदे लई हिंदी बोलना कुछ औखा, बट आर स्पीकिंग वेरी नाइस हिंदी, ग्रेट जॉब, थैंक यू तरनजीत जी। ओंकार अहिर,
भाई यामा 1840 में 4K अपस्केलिंग है, अगर है तो कैसे है? 4K अपस्केलिंग सर में भी है, 1840 में भी होनी तो चाहिए। अब ये छोटे छोटे पॉइंट याद में तो रहते नहीं है, बट होगी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को ध्यान है। अगर है तो कैसा है, कैसा है क्या का क्या मतलब होता है? आपके पास 4K टीवी अगर है आपके पास में तो अच्छा ही आएगा। सबित डू यू वॉन्ट सब ऊपर एक्टिव, डू यू हैव सब ऊपर एक्टिव 10 inches? जी सबिता जी मिल जाएगा। उज्जवल जी आई हैड दैट डेनन इज वेरी पुअर इन आफ्टर सेल सर्विस, इज इट ट्रू? ऐसा तो सर कुछ नहीं है उज्जवल जी, जितनी सपोर्ट इस टाइम डेनन की मिल रही है सर जी, किसी की नहीं मिल रही। पहले मैं डेनन नहीं बेचता, पहले मैं ऑन क्यों बेचा करता था, बट अभी मैंने डेनन इसीलिए शुरू किया सिर्फ बेचना कि इसकी सर्विस इतनी अच्छी है कि बहुत, मतलब 100 में से ये लगा लो आप 95% चांसेस जो उनसे है ना वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए है सर्विस सेंटर की तरफ से। इप्सन 9400 इज अपर इन माई ओपिनियन बट एक्सपेंसिव एट अराउंड 2.2 lakh, बट इट्स वर्थ द प्राइस। वाई एच टी अपस्केलिंग बट ऑफिशियल अपस्केलिंग इज नॉट देयर आई फील, बट इट इज द बेस्ट अंडर 35K। सत्य वचन है सर ये, ये आपका नाम है प्रसीद जी। प्रसीद जी बिल्कुल सही, ये आपने शत प्रतिशत बिल्कुल ठीक कहा है जो आपने कहा है। और डेविल डोम जी कह रहे हैं थैंक यू अमित जी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप जितने मर्जी पूछिए, अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर डायरेक्ट स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करते कर लें और कोडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें तो ये एटमॉस डॉल्बी एटमॉस साउंड आउटपुट मिल सकता है क्या? सर इसके लिए आपका जो सा देखो रिसीवर है ना जो, वो डॉल्बी एटमॉस एनेबल होना चाहिए। टीवी से अगर आप डायरेक्ट पेनड्राइव को यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर आप एटमॉस फाइल को प्ले कर रहे हो तो उसके लिए कोई आपको कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ये वो कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। सिर्फ आपके टीवी में और आपके AVR के अंदर EARC HDMI पोर्ट होना चाहिए, तो आपका जो एटमॉस एनेबल रिसीवर है वो आपको एटमॉस साउंड ही देगा। संतोष कुमार ठाकुर जी हेलो डियर। हेलो सर संतोष जी कैसे हैं? 5.1 आउटपुट वाला DVD डिस्क ऑडियो मूवीज़ को 7.2.2 होम थिएटर में चलाने से क्या आउटपुट मिलेगा सर? नहीं सर, जब आप 5 चैनल की अगर आउटपुट दे रहे हो उस पर तो वहाँ पर ही 5 चैनल की आउटपुट ही जाएगी, बट ये है कि जो रिसीवर है वो उसको अब मतलब वो डाउनग्रेड करके उसको डीकोड कर देगा, उसके जो सा आप जो भी फॉर्मेट उसमें दोगे ना तो उसे वो डीकोड कर देगा। तो उससे क्या होगा कि वो अपने हिसाब से एक इमेजिनी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा कि आपके जो बाकी के स्पीकर्स हैं जहाँ भी वो लगे हैं, जैसे कि इस साइड के स्पीकर में यहाँ की कोई आवाज़ डाल देगा, इस साइड की स्पीकर है तो यहाँ की कोई आवाज़ आ जाएगी, ऊपर के अंदर कोई ना कोई आवाज़ ऊपर की तरफ से डाल देगा। मतलब एक्चुअल जो इफेक्ट आएगा जो उनसा हमारा वो तो नहीं आएगा, बट वो उसको डिकोड करके सभी स्पीकर्स में अलग अलग आवाज़ भेज देगा। एक्चुअल इफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप एटमॉस फाइल ही प्ले करोगे उस पर। ओंकार जी कुछ नहीं भाई, ये है वो कुछ नहीं भाई ये है वो सिया बोलने का, आप दूसरों जैसे जैसा सर अच्छा 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 ही नहीं बोलते, किसी भी बुरा नहीं। ओंकार जी पूरी बात समझ में तो नहीं आई आपकी मेरे को, मगर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लिखा है जो भी लिखा है। सार्थक जी कैसे हो सर? क्या बहुत बढ़िया सर, आप बताओ, बहुत स्माइले निकाल रहे हो आज, क्या बात है सर? फिर भी यार पेट में फिर से दर्द होने लग गई है। मोहित वर्मा जी
वेयर इज स्लीप सर्विस सेंटर इन दिल्ली? मोहित जी अभी तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार इसके सर्विस सेंटर से संपर्क करने की, सच बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए अभी तक मैंने ढूंढा भी नहीं है इसको कि कहाँ पर है ये, क्योंकि सच बता रहा हूँ अभी तक कोई ज़रूरत ही नहीं आई क्लिप्स के सर्विस सेंटर को ढूंढने की। मोहित वर्मा जी इज एलेक्सी नंबर 10 डिस्काउंट ना जी ना सर, ये कैसी बातें कर रहे हो मोहित जी आप? रनिंग मॉडल है सर, 5 नहीं बंद हुआ तो 6 कैसे, ये 10 कैसे बंद हो जाएगा? सुमित कुमार सर डायमंड पे कितना लेस करेंगे आप? सुमित जी वैसे तो देखो 38% कर रहे थे, बट अभी जब स्टॉक आएगा तब पता लगेगा यार। भैया ऐसा है देखो सुनो, बुरा मत मानना कोई भी, मेरा हो रहा है पेट ख़राब, मेरे को फिर से समझ जाओ आप जाना पड़ेगा, और बाकी वैसे भी 10 बज गए, तो अभी जो उसकी हमारी लाइव का सेशन होता था ये 10 बजे तक का ही होगा, तो इसमें यार जो जो कमेंट्स मैंने रीड नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अभी ऐसे बचे हुए हैं जो उनसे रीड नहीं हुए हैं, तो यार आप प्लीज़ किसी और वीडियो पर भी आप कमेंट भेज सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, हर एक कमेंट का जवाब मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं दूँ सबका। कुछ कमेंट रह जाते हैं कई बार कि क्योंकि जो एक इनकी जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप है उसके अंदर कई बार कमेंट्स शो नहीं करते, तो इस वजह से कुछ कमेंट हो सकता है रह जाते हैं, तो इसलिए अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, और अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना। तो मैं यहाँ से निकलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अब फिर आपसे मिलूँगा, अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, बाकी आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इस कंडीशन में मैं ना स्वस्थ हूँ और ना मस्त हूँ अभी, तो चलिए अभी फिर से मिलूँगा सर मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। आप अपने क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखिएगा, किसी और वीडियो के अंदर कमेंट्स भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पर उसके आपको जवाब दे दूँगा। अभी के लिए जय हिंद।